शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपको पहली बार ऐसे देख रहे हैं हम जीन्स टी शर्ट में, बहुत प्यारी लग रही हैं आप चारों। थैंक यू। अच्छा, पहले तो हमने सिर्फ ज्यादातर जब क्रिकेट देखना शुरू किया तब सिर्फ मेंस क्रिकेट टीम हम लोग ज्यादा देखते थे, पर अभी लड़कियों ने अपने टैलेंट से, अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि लड़कियां कहीं भी किसी मैदान में भी कम नहीं है। चौके छक्के लगाती हैं, देश का नाम रोशन करती हैं। मिथाली के बारे में मैं बहुत पढ़ता हूं। अच्छा। अरसे से अखबारों में, सुर्खियों में, बहुत कंसिस्टेंट खिलाड़ी और सच पूछो तो इतना, क्योंकि जलवे हैं और इतने कारनामे हैं, तो मेरा भी दिल करता था किसी दिन मुलाकात हो, तो आज हुई है तो बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूं। God bless you. मिताली, कितने रन है तुम्हारे टोटल? वन डे अराउंड 5,500 प्लस। क्या बात है। सो हाउ मेनी हैव क्रॉस्ड 5,000 इन वुमेन्स क्रिकेट? 5,000 से ज्यादा? टू। यू एंड हू एल्स? शार्लेट एडवर्ड्स फ्रॉम इंग्लैंड। ओके, नो फ्रॉम इंडिया नोबडीज क्रॉस्ड 5,000। ठोको यार ताड़ी। Brilliant. Feel very proud. इंडिया में किसी ने किया नहीं। इन्होंने किया ना? मैं वही बोल रहा हूँ, तो अकेले हो। अकेले हो ना, जैसे तेरे जैसी कॉमेडी किसी ने की नहीं। मेरे साथ तो आजकल खुद हो रही है। और इनको देख के तो मुझे साफ पता लग गया कि ये फास्ट बॉलिंग करती हैं। क्यों? यस सर। देखा फटाक करके। अब कितनी फास्ट बॉलिंग कर लेती हैं? बहुत सारे। लड़कों के साथ मैच खेला आपने कभी? बहुत बहुत। आप ट्राई करना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो एक्चुअली जब भी हमारे यहाँ पे क्रिकेटर्स आते हैं, लड़के जब आते हैं, हम स्लेजिंग बहुत बड़ी चीज होती है बाजी। हाँ। मैदान में होती है दूसरे खिलाड़ी पे प्रभाव डालने के लिए। लड़कियां करती हैं ऐसे? आप सुनना क्या चाहते हो? नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता, पर मुझे ऐसे पूछना है। ए, जो जो बोले वही कुंडा खोले, ये करती है पक्का। फास्ट बॉलिंग करती है ना? सर, हम उनमें से नहीं है जो स्लेच करे, हम उनमें से जो अच्छा बॉल डाल के विकेट ले। तो कहने का मतलब है कि जब लड़कियां खेलती हैं क्रिकेट तो कोई स्लेजिंग नहीं होती? होती है, बहुत होती है। होती है? किस टीम के साथ ज्यादा होती है आपकी? एक ही टीम है जो कर सकती है। गेस कर लो आप ही। आप ही बता दो। कोई किसी ने बोला ऑस्ट्रेलिया? पाकिस्तान। जब लड़के ऐसे जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा है जो बॉलर होते हैं अपना को भी किसी को गॉगल्स दे दी या किसी ने मोबाइल तो खैर होता नहीं, कुछ ना कुछ पकड़ा जाते हैं ऐसे। तो आपने कभी अंपायर को कुछ दिया? भैया हमारी लिपस्टिक रख लो या हमारा मिरर रख लो। हमने लिप बाम्स दिए हैं, काफी सारे लिप बाम्स। अच्छा, लिप बाम्स रखते अंपायर को देते हैं? दीदी के एक पॉकेट में रहता है। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान तो रख ही लेती है थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो शादी जब आप करेंगी तो किन से करेंगी? क्रिकेटर से करेंगी कि किसी बॉलर? ऐसा कुछ नहीं है, जो क्रिकेटर से ही करनी है, जो भी अच्छे लगेंगे, जिसको भी अच्छे लगे कर सकते हैं। मम्मी पापा है, they can decide also. मम्मी पापा तो एक दूसरे से कर ली ना, अभी तो आपका टाइम है। बात खाली नहीं जाना चाहिए। मेरे को ऐसे जानना था कि जब हमारे यहाँ पे महिला क्रिकेट टीम की सदस्य आएंगी, मैं उनसे जानना चाहूंगा। मिताली, आप कैप्टन है जी, आपको क्या लगता है जब आप शादी करेंगे किस प्रकार का लड़का आप इंटरेस्टेड है? क्योंकि यहाँ पे तो हमने देखा है हमारे बॉलीवुड में बहुत सारी लड़कियां जो होती हैं क्रिकेटर्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, तो क्या हम ये समझें कि आप जो क्रिकेटर्स हैं आप किसी बॉलीवुड में से किसी को चुनेंगी? या मतलब आई मीन जस्ट आस्किंग। आई डोंट माइंड समबडी फ्रॉम बॉलीवुड। यू डोंट माइंड? या आई डोंट माइंड। फिर भी कोई एक बताओ। बोल दे जो पसंद है उसकी तो शादी हो गई है। कौन है जो आपको बहुत पसंद है? मुझे तो आमिर खान पसंद है। आमिर खान? आपको हरमन? ये रणबीर सिंह पसंद है। रणबीर सिंह, वो भी पर वो आपके वाली के साथ सेट है ना। ये मारा नेले पे देला। एक्चुअली गोले पे बेगी मारी है ठा करके। मतलब हम दोनों को एक ही शख्स से प्रॉब्लम है। यही कह रहे हो। और आपको, आपको कौन पसंद है? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह? आपको दीपिका पसंद है, मुझे रणवीर पसंद है। उसको तो मैं नहीं ना पसंद। हम दोनों कर लेते हैं ना सेटिंग। अरे तो आपको कौन पसंद है बॉलीवुड में? शाहरुख खान है जी। शाहरुख खान।
सबको बिजी आदमी ही पसंद है, एंगेज आदमी पसंद है. मैंने भी शादी कर लेनी, मुझे लगता है मेरी फैन फॉलोइंग और बढ़ जाएगी. अच्छा मैंने देखा आईपीएल में जब मैच होते हैं बाजी, ये जो चीयर लीडर्स करती हैं, डांस करती हैं, चौका छक्का, हालांकि मारा किसी और प्लेयर ने होता, ये इतनी खुशी से नाचती है ना कि जैसे बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया. आप लोगों ने कभी डिमांड की है अपने क्रिकेट बोर्ड से कि जब हमारा मैच होता है आप भी लड़के मंगवाए वो नाचे हमारे? Point to be noted. Point note कर लें आप, आगे चल के आप अपने बोर्ड को जरूर कहें. बिल्कुल सर, बिल्कुल. अच्छा जब आप में से कोई शॉट मारता है या कोई विकेट लेता है पब्लिक सिटी में जाती है जैसे भी बजा रहे हैं, तो कैसे पता चलता है कि वो बैटिंग की तारीफ हो रही है या छक्का मारे हुए टाइम हो गया, फिर वैसे ही सिटी निकल रही किसी की कि आप सब इतनी खूबसूरत हैं? ओहो तो जैसे हम देखते हैं ना बहुत सारे फैंस ऐसे बैठे रहते, प्लीज विल यू मैरी मी, आपके साथ होता है ऐसे कोई एम्बेरसिंग मोमेंट हुआ हो ऐसा कुछ? एम्बेरसिंग नहीं है, तो बड़ा इंजॉइंग मोमेंट होता है. अच्छा ही लगता है अगर आपको कोई अप्रिशिएट करता है तो. ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था. आई जस्ट जॉइंड रेलवेज, तो मेरा फर्स्ट ईयर था इंडियन रेलवेज के लिए, एंड वी प्लेड इंडियन, हमारा नेशनल्स जो है वी प्लेड इन आसनसोल. सो वहाँ पे बाउंड्री लाइन पे मैं फील्डिंग कर रही थी, तो एक काफ़ी इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, तो काफ़ी लोग आए देखने की लड़कियाँ खेल रही क्रिकेट, तो उनका उनका बेसिकली क्यूरियोसिटी था कि वो पैंट्स में खेल रहे हैं कि स्कर्ट्स में खेल रहे हैं, शॉर्ट्स में खेल रहे हैं. तो किसी ने पीछे से ऐसी छेड़ दिया, तो फिर मेरे लिए तो इट इज़ क्वाइट फर्स्ट टाइम फॉर मी. तो मैंने कैप्टन को बोला कि मैं बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग नहीं करूँगी, मुझे सर्कल में रख लेना. तो शी वॉज गुड एनाफ टू गेट मी इन टू द सर्कल, पर काफ़ी बार ऐसे हुआ था पहले. अब एक काम किया करो, जो बाउंड्री पर खड़ी रहती ना एक बॉल जेब में रखा करो, ऐसा कोई बीच में जो बोले ना, कहीं होते भी वैसे क्योंकि कोई आप फील्डिंग कर रहे हैं, ध्यान गेम पे है, पीछे बदतमीज होते हैं. मैंने कहा इधर भी देख लो, बॉल रखा करो, मुंह पे मार दो. क्यों चिल्ला रहे तुम लोग? मैं नहीं बताऊंगी, तुम गेस करो. आज इसे जूस मिल गया पीने को. यार तुम रहने दो पाजी, आज हमारे टीपीएल का फाइनल मैच था और एएसी ने 10 विकेट से जीता है. ओए होए होए होए, एएसी मतलब ऑटो एसोसिएशन ऑफ चेंबूर. और पाजी मैंने आज ट्रिपल सेंचुरी मारी है. अच्छा, सपनों में? नहीं, मैच में. रियली? ये सेंचुरी इसकी छोटी बहन का नाम है, 3 बार मार के आई उसको. ओहो, व्हाट अ कोइंसिडेंस पाजी. देखिए आज हमारी टीम ट्रॉफी लेके आई और हमारे यहाँ नेशनल टीम आई हुई है. व्हाट अ कोइंसिडेंस. हेलो एवरीवन, क्या बात है. सारा कुछ उसको पता होता है कौन आने वाला है. हमारी इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की मेंबर्स आ रही हैं, उस हिसाब से कपड़े पहन के इधर आगे बोलती थी व्हाट अ कोइंसिडेंस. आपको पता है सड़क पे जा रही थी उस दिन, वो बेचारा भिखारी खाना खा रहा था, कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप खाना खा रहे हैं, मुझे भूख लगी है. झूठी है ना ये. वैसे मिताली गर्ल्स, दिस इज माई टीम, वहाँ पे मैरी कॉम, सानिया, साइना और साक्षी. इधर आओ, इधर आओ. कौन सी क्रिकेट टीम है? पहले तो साइना देखता हूँ मैं. इतनी मिलावट है ना इस शो में, तुझे शर्म नहीं आता? लड़कों को लड़कियां बना के लेके आई है. ये देखो पाजी, लड़कों को लड़कियां बनाने में प्रॉब्लम किसको हो रही है? किसको हो रही है? लड़कियां बना बना के तुम फिल्म बना सकते हो, मैं ट्रॉफी नहीं ला सकती. टीम आप लोग प्लीज अंदर जाके कल की तैयारी कीजिए. आई एम कमिंग. वो एक्चुअली क्या है ना, कल हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, तो इसलिए तैयारी जरूरी है. मेरी बात सुन, शाम को सोसाइटी के बाद लंगर लगने वाला, उसकी तैयारी कर दो. एक मिनट, लंगर की कौन सी तैयारी होती है? ये बहुत चलाक है, इनकी एक टीम है पूरी, लंगर खाते ना जो बाहर भंडारा लगता है, अब वहां पे होती भीड़, तो लाइन लगती है, इसका हाथ नहीं पहुंचता है, तो इतनी चलाक है ना ये, मुंह में थोड़ा सा दही खा के ना सड़क पे गिर जाती है, कहती मुझे कुछ हुआ है. लोग इसकी तरफ आते हैं, इसकी टीम आती है, पूरा लंगर लेके निकल जाते हैं ये लोग, मुझे सब पता है. कितनी आसानी से बातें बना लेते हो. देखो बातें बनाना आसान है, पता है मेरा कंपटीशन कितना टफ था? तो गलत फील्ड में जाती क्यों? तो अपना वो किया करना जिसमें तेरा फोटे है, तो एक्सपर्ट है. सोसाइटी में हर साल फंक्शन होता है नाक बहाने का. यहाँ तक बहा लेती है. सोचो आप इतनी बड़ी लड़की जब ऐसे करती, कितना गंदा लगता है. तुम इतनी
गंदी बातें कैसे कर लेते हो? अच्छा इधर ही छींक करती, उधर तो जो कंपटीशन में जीत के 75 रुपए जेब में चुपचाप से डाल लेते हो। 75 रुपए वहां पे इनाम होता है। देखो तुम ना बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। वैसे मेरे घर से काफी लोग क्रिकेट में रहे हैं, ये बस जल क्रिकेट में रहे हैं, फुटबॉल में रहे, होश में नहीं रहते बस। अपनी फैमिली स्पोर्ट बताओ जो है उनकी, वो बताओ। फैमिली स्पोर्ट कौन सी होती? इनके सब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं ना, तो बड़ी बच्ची गेम खेलते हैं, सारे एक लाइन में खड़े रहते, फिर देखते सबसे दूर थूक किसका जाता है। गेम खेलते हैं ये लोग। कितनी बकवास यार। देखो मैं एटलीस्ट खेल तो सकती हूँ, मैं एटलीस्ट ट्रॉफी लाई तो हूँ, तुम तो खेल भी नहीं सकते। तुमने खेलना है अब, चलो आप किसी को भी बोल दो बॉलिंग करने के लिए। उनको बोलो, उनको उन्होंने एक बॉल कर को, मैं तो कहता हूँ करो इसका LBW कर दो। हमारे पास नहीं तो हटेगी नहीं, हर बार दबाओ। क्या हो जरा, अभी बैटिंग करेगी कि बॉलिंग? बैटिंग करो, बैटिंग करो, बैटिंग में मुंह टूटने का भी चांस है। अभी मैं कमेंट्री करता हूँ, चलिए मैच शुरू होने जा रहा है। ओके मैदान सजा हुआ है, बल्ले से भी छोटी मोहतरमा बल्ला उठा के मैच खराब करने को तैयार है। माँ मायके है, बाप रूठा हुआ है। चलिए आपने तो हमारा ड्रम सेट ही गिरा दिया। ये पाजी इसी शक्ल से कमाई आती है, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खेल पाऊंगी। दुल्हन आपने सबसे ज्यादा विकेट आज तक कितने लिए हैं एक मैच में? टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए, इन अ मैच। एक ही मैच में 10? तो बाकी उस दिन क्या कर रहे थे?